आइए आज हम लाल सिंह चड्ढा की रिव्यू लेने आए हैं। A few moments later. तो जैसे कि आपको पता है कि लाल सिंह चड्ढा के ऊपर बहुत ज्यादा अरे कहना क्या चाहते हो? तो जैसा कि आपको पता है लाल सिंह चड्ढा के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, तो आइए जानते दर्शकों से कि कैसा है, कैसी है मूवी। चलो बताइए कैसी दर्शकों क्या योर क्वेश्चन माई क्वेश्चन हरिद्वार से आए या 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 यहाँ किस लिए आए आपने लाल सिंह चड्ढा देख ली बताइए कैसी दर्शकों भाई अभी देखने तो जाने दे अंदर जिनका ब्लॉग है जिनका चैनल है आज वही नहीं है वो भी लेने को कहीं गए थे फोन किया था कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो चल झूठा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और अभी हम आ रहे हैं आए हैं मूवी देखने जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने सुना ही होगा। उस मूवी का नाम है लाल सिंह चड्ढा, और लगभग अभी इस मूवी को देखने के लिए हमने काफ़ी सभी लोगों ने बहुत टाइम मैनेज करा और 20-25 मिनट ऑलरेडी हम लेट हो गए, तो देखते हैं। और फिल्म स्टार्ट होने वाली है, जो मेरे साथ आए मेरे भाई लोग सोमू करण और अरुण, तो देखते हैं कैसी लगने वाली है मूवी। और चलिए फटाफट पहले अंदर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंटरवल पे आकर। एक भी वर्त नहीं झुड़का, चड्डी बनी नहीं पहनता, अरे रास्ते पर घूमता बेगर में और कुछ पहना ना पहने चड्डी कंपलसरी पहनता है। चड्डी बनीन के बिना लाइफ दूजी उस्ताद जी दे वास्ते। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस अभी इंटरवल तक मूवी हमने देख ली है और चलते अभी बाहर। आइए आपको बाहर का नजारा भी दिखाए। क्या हुआ है? मतलब कि देखो यार, पर अभी तो इंटरवल चल रहा है भाई, काफी हड़बड़ाहट हो रही है, तो लेट ऊपर से परेशान, देखने वाले हैरान भी। तो यार कुछ बोलना चाहोगे? इस बंदे ने अभी फोन पकड़ा हुआ है, उसके कारण कुछ ऐसा हुआ, माइक नहीं ला पाए तो फिर से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, तो बाद में डालना। सो गाइस फाइनली मूवी अभी तक इंटरवल तक तो बहुत बढ़िया लगी हमें, चीज़ों में बढ़िया है, मतलब पढ़ी भी है काफ़ी अच्छी भी है इंटरवल तक, तो आपको पता है इंटरवल तक तो थोड़ा फ्लो स्लो स्टोरी होता है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं इमोशनल, लेकिन सोमू तुझे पता है ये मूवी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में चल रही है और बहुत सारे ऐसे एजेंडे बनाए जा रहे हैं कि इस मूवी को मत देखो, इस मूवी को बायकॉट करो, तो तुझे कुछ लगा इस मूवी में ऐसा? जैसे कोई कह रहा है कि आमिर खान ने अपनी मूवी में ऐसी एक स्टेटमेंट दी है कि मतलब कुछ अलग ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से ये मूवी पे लेके साथ रहे, हाँ शायद बाकी कुछ हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको शायद ठेस पहुँची है इससे, लेकिन आमिर खान ने का कहने का मतलब था गाइस मैंने तो कुछ नहीं बोला, आमिर खान ने बोला अपने स्टेटमेंट में, मेरा किसी के भी धर्म को या मजहब को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, है ना, और उसने इस चीज़ के लिए फिर भी अगर उसने ये भी बोला अगर फिर भी मेरे किसी बात से या किसी शब्दों से अगर ठेस पहुंची हो तो माफ़ी भी मांगी है उसने, तो गाइस मेरा तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सुपरस्टार है आपने और मैंने मिलकर उसे स्टार बनाया, और मुझे भी वो मतलब अच्छा ही लगता है शुरू से, बहुत बढ़िया है एक्टर, और सभी से अगर माफ़ी मांगी है तो यार हमें नहीं लगता कि हमें इस मुद्दे को ज़्यादा खींचना चाहिए। अब कह रहे हैं कि 200 करोड़ लगा के मूवी बनी है, अगर हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश का तो लॉस है ही ना गाइस, और फिर भी उसने अगर माफ़ी मांग ली तो सबसे बड़ी बात तो यही है, लेकिन अभी तक मूवी बहुत बढ़िया लगी है, बहुत बढ़िया। आप लोग भी आए जरूर आए देखने यार, और सोमू तू बता कैसी लगी तेरे को मूवी? मूवी काफ़ी अच्छी लगी स्टार्टिंग से, अभी तक इंटरवल तक हमने देखा है, थोड़ा सा स्लो है स्टोरी, बट जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है उसमें कुछ फनी सीन्स भी है और नॉर्मली क्या कहते हैं, और जैसे एक चीज़ और याद आ गई मुझे, जैसे पीके में उसने कहा जो तू बता रहा था, अच्छा पीके के बारे में थोड़ा बता, पीके की मूवी में जैसे वो क्या उसका करेक्टर था, अगर उसने बोला भी है क्योंकि वो यहाँ पृथ्वी में आके यहाँ का समझता तो था नहीं, जो भी यहाँ पर धर्म, मतलब यही है कि लोगों ने बोला कि जो एक शंकर भगवान का रोल था किसी ने प्ले किया था उनको भगाया इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं था,
यार वो देखो दूसरा घर ऐसा आया बंदा है, उसको कुछ पता नहीं था यहाँ पर, वो अपनी कुछ चीजें ढूंढ रहा था, तो एक नॉर्मली चीज दिखाई है कि मतलब उनको उसको पता नहीं था कि ग्रह पे ये भगवान वगैरह मानते हैं, एक इस टाइप से स्टोरी दिखाई गई है, कुछ मैसेज है, अगर उसको सीधा देखो सीधा है। अच्छा कहने का मतलब ये कि गाइज उसको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, अगर हम फिल्म को उस फिल्म के हिसाब से देखें, हमें फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि वो शायद उस मूवी में ये बताना चाह रहा था कि वो किसी भगवान या किसी एक मतलब मजहब या किसी भी धर्म के जो जिसको मानते हैं उसको नहीं गलत बोल रहा था, वो उसको बोलना चाहता था जो उसको गलत तरीके से लेके जाते हैं, है ना, यही था सिंपल मैसेज था। बाकी मूवी तो बढ़िया लगी गाइस, आप लोगों को भी जरूर आना चाहिए। और क्या कहते हैं जो वो रोल जो इस टाइम पे जो ट्रेन में स्टोरी सुना रहा है, इस टाइम पे बिल्कुल कॉमेडियन हो रहा है इस मूवी में, कॉमेडियन, और आपको हंसी भी आएगी और शायद आपको रोना भी आएगा, इस टाइप की है। और एक और बंदे का हम रिव्यू ले लेते हैं जो रिव्यू बड़ा जबरदस्त दे सकता है शायद, और क्योंकि उसी के वजह से आज शायद अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो उसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है इसको, क्योंकि ये माइक भूल गया है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो अरुण अब तू बता तेरे को कैसी लगी। मेरा तो फेवरेट एक्टर है तो काफी अच्छी लगी इसकी मूवी। लेकिन फेवरेट एक्टर क्यों है ये भी बता। क्योंकि इंडिया का बेस्ट एक्टर है, मतलब एक कंटेंट को अलग ही चीज बनाता है, इसकी अलग चीज हो, ये हमेशा इंडिया में कुछ अलग ही चीज लेता है, और ये हमारे इंडिया का बंदा तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, कामका की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, हमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए गाइस। कहीं ना कहीं जैसे आमिर खान ने बोला अपने वीडियो में कि एक मूवी जब बनती है तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, उनकी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, 3 से 4 साल का अगर टाइम लगा इस मूवी को, अगर हम इस मूवी को बायकॉट करते तो कहीं ना कहीं इंडिया को ही उसका कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया ही लॉस में जाएगा, है ना, टैक्स वही भर रहे हैं, तो हर चीज़ें कोई गाइस हमें सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है अगर उसने कोई ऐसी चीज़ गलत बोली है और फिर भी अगर उसने गलत बोलने के बाद भी अगर उसको उसकी माफ़ी मांग ली तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है पहली बात तो उसने कुछ गलत किया नहीं, वो मूवी एलियन की थी, मतलब दूसरे ग्रह की थी, उसने फिर भी अपने माफ़ी मांगी, वो उसका कुछ बनता नहीं, लेकिन फिर भी उसने माफ़ी मांगी, फिर भी यार इतने बड़े एक्टर ने मांग लिया तो कोई बात नहीं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। शाबाश बेटा, फिर भी कह लो कुछ भी है, बाकी की चीज़ अच्छी लगती है। बहुत बहुत देख के आया भाई, शुरू हो गया, चलो जल्दी चलो चलो। ठीक है गाइस अब चलते हैं अंदर, बाकी आपसे बात करेंगे फिल्म खत्म होने के बाद। दिन बाद जंग खत्म हो गई, सारे बहुत खुश थे कि हम जीत गए, जानी बचाई, ऐसे शूरवीर को भारतीय सेना का सलाम, नायक लाल सिंह चड्ढा। सारी है या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है, तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में, या इसको न समझना ही समझदारी है। सो गाइस फाइनली हमने फिल्म देख ली है और फिल्म ओवरऑल अच्छी लगी है, ठीक है एरिया। बाकी गाइस मैं तो यही कहूँगा मूवी ओवरऑल अच्छी लगी हमें, हाँ थोड़ी सी स्लो मूवी है लेकिन मैसेज बहुत बढ़िया बता रखा है इसमें। और क्या बोलते हैं, मैं तो गाइस आप लोगों को ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से मैंने अपनी जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग थी मैंने उस हिसाब से फिल्म को देखा, जो भी वो कैंपेन चल रही थी कि बायकॉट आमिर खान की मूवी, ऐसे मत करिए किसी के भी कहने पे और किसी के भी भेड़ चाल पे मत आइए, आप अपने जो भी आपकी पर्सनल क्या सोच कहती है क्या थिंकिंग कहती है उस हिसाब से कोई भी अपनी डिसीजन लीजिए, है ना। अगर मूवी बहुत अच्छी है तो ठीक है गाइस, चलते हैं मिलते हैं आपसे किसी और आने वाले ब्लॉग में, तो करते हैं आपको बाय। छुप छुपाए ऐसे जी हम न पाए, 140 रुपए। दो भाई पैसे क्यों देगा, नाव तो कुछ है, बर्तन धोने वाली सिस्टम है, बर्तन धोने वाला भी नहीं है यहाँ पे, और आईफोन ऐसे लेके आ गए ये लोग, ये किराए पे लेके आए। कंट्रोल कंट्रोल।